टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है वेनेसडे, मैंने आज ऐसे पोनीटेल बना ली है। देखिए, मुझे एक्चुअली ना पोनीटेल इतनी पसंद तो है नहीं, बट मैंने बना ली। मैंने आज जूड़ा नहीं बनाया, मुझे जूड़ा ही अच्छा लगता है। मीन्स कि जूड़े से क्या होता है कि अपने हेयर की जो लगते हैं ना पीठ पे हेयर, छुपते हैं मुझे, तो वो भी छुपते नहीं हैं। और प्लस गर्मी भी नहीं होती है, हेयर की वजह से ना ऐसे गर्मी हो जाती है, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा मतलब नीचे ऐसे हेयर जो ओपन होते हैं ना वो हेयर पसंद नहीं, और पोनीटेल भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं। वैसे मुझे ओपन हेयर अच्छे लगते हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसी वजह से। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के अभी मैं दिया बाती वगैरह कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आज ये वाली साड़ी वेयर करी है। ये दिया बाती बाकी है, मेरी चाय पीना भी बाकी है। मैंने सोचा आप लोगों को पहले मैं गुड मॉर्निंग बोल दूँ। सो गुड मॉर्निंग। और आज का वीडियो जो है ना वो होने वाला है मेरा मॉर्निंग रूटीन से। तो चलिए करते हैं काम, फटाफट से काम कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे, बातें तो बहुत सारी हो जाती है। चलिए। सो खुशी के जाने के बाद मैं सबसे पहले घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। खुशी जो है ना वो 7, 10 या तो फिर 50 को चली जाती है। तो जैसे मतलब उसका जो स्कूल का टाइमिंग है ना वो 7:20 का है, तो उसे जैसे मतलब टाइम उसकी जैसे रेडी हो जाती है वैसे वो निकल जाती है। तो मैं बाहर देख के यही देख रही थी कि बाहर जाके कि फूल वगैरह है क्या, क्योंकि ना आजकल फूल ही नहीं आ रहे, तो थोड़े बहुत थे तो वो मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ। तो बिल्कुल थोड़े से थे, पर अभी क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो 2-3 ही है। सो मैं ना फूल क्यों तोड़ के लेके आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल इन दिनों मतलब बरसात की वजह से कलियाँ भी आती है, और वो बरसात की वजह से नीचे मतलब गिर जाती है, तो फूल भी नहीं आते अच्छे से, ज़्यादा फूल नहीं आते मतलब कि। और जितने आते हैं वो भी ना यहाँ से मतलब बच्चों को छोड़ने के लिए जो उनकी मम्मियाँ होती है ना वो तोड़ लेती है, तो अभी बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो भी तो भगवान जी के लिए ही तोड़ रही है। तो बस मैं उनको बोल देती हूँ थोड़े से मुझे भी रहने देना, तो जितने होते हैं उतने में फिर बाद में तोड़ लेती हूँ, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ने जाती है, तो जब तक तो मैं घर में ही मतलब काम करती हूँ, इसी वजह से मेरा मतलब जल्दी तोड़ना होता नहीं है। और खुशी को टिफ़िन बनाओ, उसकी तैयारी करो, छोटी वगैरह बनाओ, है ना, तो इसी वजह से। और यहाँ पर राज ना कपड़े पहन रहा था, तो मैंने उसे बोल दिया कि आप उस वाले रूम में चले जाओ, मैं यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। तो उसे भी ट्यूशन जाना होता है, तो ट्यूशन का टाइम उसका 9:30 का होता है, तो अभी वो चला जाएगा ट्यूशन। अभी मैं ये सारी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर मैं दिया बाती वगैरह करूँगी। उससे पहले मैं ये जो अचार मैंने डाला था ना कल, इसे अच्छे से हिला लेंगे, क्योंकि इसे हिलाना ज़रूरी है। तो ये देखिए, कल बिल्कुल भी इसमें ऑयल नज़र नहीं आ रहा था, और आज कितना सारा ऑयल ऊपर दिख रहा था, तो मैंने इसे अच्छे से हिला लिया है। नीचे ऊपर अच्छे से हिला देंगे। ये देखिए, ये ना छोटू सा पायदान बनाया था हमने, और स्पेशली इसे रखने के लिए ही बनाया था। केरी को मैंने अच्छे से हिला दिया है, अभी अच्छे से ऊपर तेल आ गया, कल नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखिए, अभी जो तेल है ना वो अच्छे से नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ऊपर आ गया पूरा तेल। तो बस मैंने अचार को अच्छे से हिला लिया, फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और अभी टाइम जो हो रहा है ना वो 7:30 या 8 बजे होंगे, इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है। खुशी के जाने के बाद मैं तुरंत अपने काम पर लग जाती हूँ, और खुशी के भी हेयर स्टाइल वगैरह करने होते हैं, टिफ़िन पैक करना होता है, तो मॉर्निंग में कुछ होता नहीं है। वैसे मैं 5 बजे उठती हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ, थोड़ा सा बाहर का आंगन की क्लीनिंग वगैरह, घर की क्लीनिंग वगैरह, और उसके बाद ये डीपली क्लीनिंग खुशी के जाने के बाद करती हूँ। तो झाड़ू मैंने निकाल लिया,
उसके बाद पोछा लगा रही थी और हस्बैंड जी नहा चुके हैं तो उन्हीं के यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं जो अभी पहनेंगे, बनियान वगैरह वही। तो बस यहाँ पर मैं अभी पोछा वगैरह कर लूँगी और पोछा करने के बाद मुझे दिया बाती भी तो करनी है। तो दिया बाती मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, मुझे मॉर्निंग में ही करना अच्छा लगता है और बिना क्लीनिंग के अच्छा नहीं होता, इस वजह से क्लीनिंग करके ही दिया बाती करनी चाहिए। तो दिया बाती के लिए मैं बैठ गई हूँ और फूल इतने कम आ रहे हैं ना, फूल मुझे ज़्यादा चाहिए, फूल ज़्यादा होते हैं ना तो मुझे हमारा जो मंदिर है ना, हमारा पूजा घर, वो एकदम से ऐसे प्रसन्न लगता है, ऐसे लगता है कि इसे निहारते रहो। तो बहुत ज़्यादा फूल कम आ रहे थे पर अभी क्या कर सकते हैं, कली नहीं आ रही है और कली रहेगी तभी तो फूल आएंगे ना, कली नहीं आ रही है तो फूल कहाँ से आएंगे भाई। तो बस यहाँ पर मैं पूजा वगैरह कर लूँगी और ब्रेकफास्ट मैं ऐसे मतलब हर रोज़ करती नहीं हूँ, कभी कर लिया कभी नहीं करा, तो ऐसा है मेरा, ऐसा नहीं कि रोज़ हर रोज़ मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये जो ये गिरा है ना राख जो प्लेट में से निकला था, मतलब कि अगरबत्ती का और धूप बत्ती का, वो भी मैं फेंकती नहीं हूँ, निर्माल्य में डाल देती हूँ, जो निर्माल्य हम जमा करते हैं ना, फूल वगैरह जमा करते हैं बासी वही। तो अभी मेरा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अभी क्या करूँगी। तो मैं अभी कपड़े वॉश करने के लिए जाऊँगी, ये देखिए कपड़े पड़े हुए हैं बाहर, तो कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और टाइम देखिए 10:30 बज गए और मुझे अभी बनाना है ब्रेकफास्ट राज के लिए। तो रात का चावल बचा हुआ था तो राज बोल रहा था कि फ्राइड राइस बना के दो, तो बस मैं उसे सोया सॉस वगैरह डाल के अच्छे से फ्राइड राइस बना दूँगी। और ये रात के पापड़ वगैरह बच गए थे तो मैंने वो भी दे दिए उसे। और ये देखिए राज यहाँ पर बैठा है तो मैं इसे ब्रेकफास्ट दे दूँगी और उसे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ही दे दिया। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चिकन लाए हैं, आज वेनसडे है इसी वजह से, तो बस मैंने कुकर में चढ़ा दिया है चिकन और अभी थोड़ी देर से खुशी भी आ जाएगी। तो वो देखिए खुशी आ रही है, उसकी फ्रेंड और खुशी दोनों, और ये अंशु मेरे देवर का लड़का छोटा वाला। अभी बजे है 12, खाना वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है और खुशी भी घर पे आ गई है, ये देखिए। तो खुशी जब तक आती है ना तब तक मेरा सारा काम वगैरह हो जाता है, खाना बन गया, अभी हम खाना वगैरह खाएंगे। और आज वेनसडे था ना इस वजह से यूनिफॉर्म नहीं है, तो खाना वगैरह खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। हाय खुशी, खुशी थक गई। उसके बाद मतलब 12 बजे तक, 7:15 और 12 बजे के बीच में मेरा क्या क्या काम होता है वही रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। हस्बैंड जी भी आ गई है, देखिए अभी खाना खाएंगे, चलो बाय बाय। ये देखिए इसमें चिकन, चिकन की सब्ज़ी, बाजरे की रोटी, खुशी बाजरे की रोटी नहीं खाती है, उसे मैंने 3 चपाती 3 रोटियां डाली है, उसे मैंने खाना दे दिया है। ये देखिए आलू की सब्ज़ी और रोटी खा रही है, तो नॉनवेज नहीं खाती है वो, और ये राइस। तो चलिए खाना लगा लेते हैं अभी। तो प्लेट हमारी लग चुकी है, ये पीला सूप है जो कि बॉयल किया हुआ सूप होता है वो, राइस, ये सब्जी चिकन करी एंड ये है बाजरे की रोटी, प्याज और लेमन। खाना लग गया है हस्बैंड जी की थाली, चलिए अभी दे देंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से कमेंट्स में बताना। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर ना किया हो तो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।